जी नमस्कार, मेरा नाम काशीनाथ पांडे है और आज मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं अपनी जर्नी के बारे में, जर्नी जो हमारी वेस्टीज में रही है और उसकी कुछ पहले की बातें। जी मैं आपको बताऊं, मैं शुरू से बहुत ज़्यादा बड़े सपने देखने वाला इंसान रहा हूं। बचपन से मैंने बड़े सपने को हमेशा टारगेट किया है। ऊपर वाले की बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि उन्होंने अच्छी लाइफ स्टाइल बख्शी, बचपन से ही अच्छे फैमिली से बिलोंग किया, पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई। राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड मैं एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। शुरुआत से अच्छे मार्क्स अवेल हुए, अच्छी डिग्रीज मिली, इवन इकोनॉमिक्स ऑनर्स मैंने किया है रांची यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे मैं टॉपर था। और जैसा शुरू से माइंडसेट में रहता है कि आगे चल करके अपने बिहार और झारखंड में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, रांची जो मेरा नेटिव प्लेस है, बचपन से एक बात थी कि सरकारी नौकरी में जाना है। मैंने भी उसके लिए प्रयास किया, यूपीएससी की तैयारी मैंने स्टार्ट करी और बड़ा अच्छा रहा कि पहले अटेम्प्ट में ही मेरा पीटी क्वालिफाई हुआ, रिटर्न क्वालिफाई हुआ, लेकिन फाइनली इंटरव्यू में मेरा नहीं हो पाया। उस समय तो वाकई बहुत बुरा लगा था, लगा कि पता नहीं लाइफ में क्या हो गया, लेकिन आज मैं थैंक्स करता हूँ गॉड को कि शायद जो हुआ अच्छा हुआ। एक लाइन कही जाती है गीता में, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। और हर कुछ जो भी लाइफ में हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा जरूर छिपा हुआ होता है। तो थोड़ा उस वक्त का पीरियड बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि अपने आप को मैं करियर में सेट नहीं कर पा रहा था और वो दौर कुछ ऐसा था जहाँ पर करियर के विकल्प में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल थे। मैंने कुछ बिजनेस के लिए भी ट्राई करा लेकिन सफल नहीं हो पाया। उसी वक्त नेटवर्क इंडस्ट्री जो बिल्कुल उभरता हुआ दौर था, मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 2004-5 के लगभग की, तो मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर का विकल्प तलाशने का प्रयास किया। कुछ एक कंपनियों के साथ मैंने काम को किया, लेकिन जैसा होता है कि चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, कंपनियां आती थी, मैं काम स्टार्ट करता था, टीम जैसे बनाता था, तब तक कंपनियां जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से शट डाउन हो जाती थी। एक बड़ा वो सेटबैक का दौर था। एक समय ऐसा भी आया जब मुझे लगा कि पता नहीं नेटवर्क इंडस्ट्री मेरे लिए है या नहीं है, लेकिन जब अपने आप को मैंने रीएनालिसिस किया तो मुझे एक बात समझ में आई कि यस काशी, दिस इंडस्ट्री इज फॉर यू। आपने केवल करना क्या है, सही प्लेटफॉर्म की तलाश करनी है, सही तरीके से चीजों को सीखना है। और थैंक्स गॉड उस वक्त मेरे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म आया जिसका नाम है डिस्ट्री मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, एंड मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने अपलाइन अमित कुमार शाह जी का, जो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है वेस्टीज पटना से। उनके थ्रू मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म मिला। शुरुआत में बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था पता नहीं बाकी कंपनियों की तरह यहाँ भी वैसी ही बात ना हो। और शुरुआत में बहुत बड़े चेक भी नहीं आ रहे थे। अगर मैं बताऊं, मेरा पहले महीने का जो बोनस था वो केवल 797 रुपए का था। बहुत मोटिवेटिंग नहीं था, चैलेंज बहुत ज्यादा थे, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे ऑफिस नहीं थे, बहुत सारी मीटिंग्स नहीं होती थी, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज नहीं थी हमारे पास। लेकिन मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, अमित सर तो ऑलरेडी थे, उनके साथ साथ राजकुमार गुप्ता सर एंड कुमार कुलवेजय सर, जिनका इनिशियल लेवल पे सपोर्ट हमें बहुत ज्यादा मिला। और उन लोगों को देख करके ये बात समझ में आई कि ये लोग जो कर सकते हैं तो लाइफ में मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। और वहां से चैलेंजेस का दौर धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुआ। मैंने काम पर फोकस किया, टीम बनानी स्टार्ट की और लगातार मीटिंग्स में अपने आप को प्लग रखा, सिस्टम की जो बारीकियां उसको सीखने का प्रयास किया। और मैनेजमेंट का सपोर्ट जबरदस्त रहा, दीपक सूद सर हों, गौतम माली सर हों, मैं बहुत थैंक करना चाहूंगा कि उन लोगों का इनिशियल लेवल पर जो सपोर्ट मिला वो बहुत ही बेहतरीन रहा और ये विश्वास को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद किया। शुरुआत के 3 महीनों में ही मेरा लेवल सिल्वर डायरेक्टर हो चुका था और तकरीबन 9 महीने होते होते मैं यहाँ पर डायमंड डायरेक्टर लिस्टिंग में बन चुका था विद इनकम ऑफ 1,000+ रुपीज का। तो ये थोड़ा मोटिवेटिंग था शुरू में कि एक साल के अंदर में ही इनकम जो थी वो 797 रुपए से बढ़ करके 50,000 से ऊपर पहुंच गई। और वहीं पर लाइव में मुझे पहली बार फॉरेन ट्रिप करने का मौका मिला, जो मेरा इंटरनेशनल फॉरेन ट्रिप था दुबई का। और वहां जब मैं गया और मेरे साथ में बहुत सारे लोग जो ऑल अक्रॉस इंडिया से गए थे, वहां जाने के बाद मेरे अंदर के माइंड सेट में बहुत बदलाव आया। मैंने देखा कि हर तरह के लोग आज वेस्टीज में सफल हो रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं भी यहाँ पे सफल हो सकता हूँ। सब केवल एक ही था, सिस्टम के अनुसार काम को करना। वापस आने के बाद वापस मैंने फिर से सारी चीजों को सीखना समझना, बिजनेस प्लान के कैलकुलेशंस एंड सारी चीजों को समझना स्टार्ट किया और सफलताएं मिलने शुरू हुई। कहते हैं ना
कि जब हम काम शुरू करते हैं अकेले होते हैं लेकिन धीरे धीरे लोग आते जाते हैं, कारवा बनना स्टार्ट हो जाता है, तो धीरे धीरे टीम जो है वो झारखंड से आगे बढ़ती हुई अलग अलग स्टेट्स में जानी शुरू हुई। आज मैं बहुत प्राउड के साथ कहता हूँ कि जहाँ जहाँ वेस्टीज का बिजनेस है वहाँ वहाँ मेरा बिजनेस ऑलरेडी फैल चुका है इंडिया के ऑल स्टेट्स, इंडिया के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे दुबई, बांग्लादेश, बहरीन तक में ऑलरेडी बिजनेस जा चुका है। और जिस जिस जगह पे वेस्टीज जाने का प्लान आउट कर रही है वहाँ वहाँ मैं भी प्लान आउट कर रहा हूँ कि हमारा बिजनेस भी आगे बढ़े। जब आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे कारफंड स्टार्ट हुआ, मैं क्राउन टाइप में बना, हाउस फंड भी स्टार्ट हुआ। कारफंड मिलने के बाद मैंने अपनी पहली गाड़ी परचेस करी जो मारुति वैगन आर है, और उसके साथ मैंने अपने टीम के लोगों के साथ मिल करके मीटिंग्स एंड ट्रेडिंग्स का सिलसिला लगातार जारी रखा। धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया, बहुत सारी मीटिंग्स मैं अपने आप को प्लग किया, अपने आप को अपडेट करना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था एक चीज कि जो काम हम कर रहे हैं अगर वही काम करते रहेंगे तो वही परिणाम मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। अगर हमें परिणाम में बदलाव चाहिए तो अपने काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने अपने आप को अपडेट करने का प्रोसेस लगातार जारी रखा। गलतियां हुई, बार बार गलतियां कर करके हमने सीखा, लेकिन सीखने का जज्बा हमेशा बरकरार रखा। जो लर्निंग एटीट्यूड है वो लर्निंग एटीट्यूड आज भी कायम है। मैं आज भी उन चीजों को सीखने का प्रयास कर रहा हूँ जो मुझे नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाए, क्योंकि आने वाले समय के गोल्स बहुत बड़े हैं। जो अभी की लाइफ स्टाइल है उसको मैं और अपडेट करना चाह रहा हूँ। फॉरेन ट्रिप्स जो मैंने आज तक किए हैं, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रसिया, ये जो फॉरेन ट्रिप्स मुझे मिले हैं, आने वाले समय में और भी बेहतरीन जगहों के फॉरेन ट्रिप्स को मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ विद फैमिली। और उसके साथ साथ अपनी जो लग्जरी कार है उसकी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं बहुत जल्द लग्जरी कार भी आए, और जो इनकम आज लाखों में चल रही है उसको बढ़ा करके मैं 7 डिजिट में ले जाना चाहता हूँ, दैट इज 10 लाख प्लस की इनकम। और इसके लिए जो मैंने गोल निर्धारित कर रखा है कि 2021 मार्च तक अपने सिस्टम के साथ में काम करते हुए, नेटवर्क के लोगों के साथ काम करते हुए, उनकी चेक को भी आगे बढ़ाना है और साथ में अपने आप को भी अपडेट करना है। क्योंकि वेस्टीज का जो बिजनेस है वो ये बताता ही है कि इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस, आपकी सफलता में हमारी सफलता है। तो अपने टीम के लोगों के साथ मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपनी प्यारी लवेबल टीम का जो बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही नॉलेजेबल है और लगातार हर चीज़ों में ऑपरेट करती है। उनको विश्वास है कंपनी के विजन पर, उनको विश्वास है हम लोगों के विजन पर, और वो हर चीज में लगातार प्लग करती हुई आगे बढ़ रही है। उनका बहुत लव एंड सपोर्ट मिल रहा है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरी फैमिली का जिनका कीमती समय मैंने कहीं ना कहीं लिया है लेकिन आज मैं क्वालिटी टाइम दे पा रहा हूँ उनको। तो ये सारी चीजें बदली हैं। पिछले 9 साल का जो सफर वेस्टीज में रहा है कमाल का सफर रहा है, लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर चुकी है। आज मैं अपने बड़े से घर में रहता हूँ जो कि करोड़ों के इन्वेस्टमेंट का है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने बनाई है अपने नेटिव टाउन में भी और उसके बाहर भी। तो धीरे धीरे जो बात कही जाती है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस एसेट बिल्ड करने का बिजनेस है, तो एसेट उससे बिल्ड होते चले जा रहे हैं और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है जो ये चीज बता पा रहा है कि यस, अगर हम सही तरीके से सही सिस्टम को मान करके काम करें तो बहुत सारी चीजें आसान होने लगती है, लाइफ बहुत आसान होती चली जा रही है। और आज ब्लेस्ड महसूस करता हूँ इस चीज के लिए, गॉड को थैंक्स करना चाहता हूँ कि आज इस प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को टच कर पाने का, उनकी लाइफ को अपडेट कर पाने का भी मौका मिल पा रहा है। और इन सारी चीजों के लिए मैं अपनी कंप्लीट लाइन ऑफ स्पॉन्सर से जिनका जिनका भी रोल रहा है मुझे आगे बढ़ाने में, सीखने में, बताने में, उन सभी को मैं तहे दिल से बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूँ। स्पेशली अगर मैं बात करूँ बिहार एंड झारखंड में कुमार कुंडलेजा सर की, एक बड़े ड्रीमर के रूप में जाने जाते हैं और मैं हमेशा उनसे इंस्पायर होता हूँ कि सपनों को साकार कैसे करते हैं, इस चीज को लेकर बहुत मोटिवेटेड रहते हैं और हमेशा उनसे उनकी चीजों को हम लोग अडॉप्ट करने का प्रयास करते हैं। राजकुमार सर जिनके पास की तजुर्बा है मार्केटिंग का और कैलकुलेशन पार्ट एंड इनकम कैसे की जाती है उन्होंने सिखाया। अमित सर जिनके पास बिजनेसशिप को कैसे और बेहतर बिल्ड किया जाता है ये मैंने उनसे सीखा। तो इन सभी लोगों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है और उन चीजों को अडॉप्ट करके मैं भी अपने टीम के लोगों को आगे बढ़ाने में आज कोशिश कर रहा हूँ कि वो बहुत बेहतर लेवल पे जाएं। तो ये सारा जर्नी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि लाइफ में स्ट्रगल्स जरूर आते हैं क्योंकि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जिंदगी का सफर आसान भी नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो लाइफ में चैलेंजेस जरूर आएंगे, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना जरूरी है, उसके आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए अपने आप को अपडेट करना, माइंड सेट को अपडेट करना, अपने विजन्स पे फोकस करना, गोल को क्लियर करना, लाइफ में जो चीजें हो रही हैं, जो गलत चीजें उनको स्क्रैच आउट करना और जो सही चीजें उस विजुलाइजेशन के माध्यम से अपने आप को अडॉप्ट करना, ये चीजें मैं कर रहा हूँ और यही चीजें करने से लाइफ में बदलाव आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।
ये मेरी लाइफ की छोटी सी जर्नी है और अभी तो कारवां शुरू हुआ, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, अभी तो हमने थोड़ी सी जमीन आपी है, आसमां बाकी है, आने वाले वक्त बहुत बेहतरीन होने वाला है और डेफिनेटली अगली सक्सेस स्टोरी जो होगी वो 10 लाख प्लस के साथ होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आज हम बात कर रहे हैं केस द वॉरियर यूट्यूब चैनल एंड केस द वॉरियर फेसबुक पेज, ये एजुकेशन पार्टनर है जहां पर मैं आपके साथ आज रूबरू होकर आपके साथ बात कर पा रहा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर ये करना चाहूंगा कि आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर खुद सब्सक्राइब करें, अपने टीम के लोगों को बताएं और न केवल बताएं बल्कि उनको मैक्सिमम लोगों तक फॉरवर्ड करें, क्योंकि आपका एक शेयर कितने लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है। तो इस चैनल को और इस पेज को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आपका ये जो प्रयास है वो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा और साथ में बहुत सारे लोग जिनको आप इस वीडियो को पहुंचाएंगे। और ये जो सक्सेस स्टोरी है, जो मेरे लाइफ की बदलाव की स्टोरी है, ये शायद किसी न किसी व्यक्ति की लाइफ को जरूर टच करेगी, उनके लाइफ में बदलाव को लेकर के आएगी। सो वी आर वेरी थैंकफुल फाइनली केस द वॉरियर यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज जहाँ पर मुझे मौका मिला आज आप आने का। वी आर वेरी थैंकफुल विजय सर, श्वेता मैम जिन्होंने मुझे मौका दिया। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू वेल्थ एंड वी कैन वी विल, डेफिनेटली वी कैन वी विल। थैंक यू।